वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। आज आपका टॉपिक है उत्तराखंड नेशनल पार्क के बारे में हम ट्रिक से जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। SSC CGL क्वालिफाई किया हुआ है, UPSC का मेन्स राइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आप यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लास की PDF प्रोवाइड की जाएगी। सफलता बैच, ये बैच 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेनली SSC CGL और CHSL के लिए ये बैच है। बाकी की डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। रेज अ हैंड का फीचर आपको बिल्कुल ऐप पे मिलेगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। बिल्कुल, इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं, उनसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अभी बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, स्पेशल प्राइस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आप अभी 15% का डिस्काउंट आपको बैंक SSC के सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, 15% का डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देख सकते हैं 1 ईयर की फीस कितनी है। अगर आप देखते हैं 1 साल की फीस की अगर हम बात करें तो कितनी है, 6500 है। और इस पे आप देख सकते हैं 15% डिस्काउंट और 10% ये जो आप प्लस देख रहे हैं, ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। SAA10, ये मेरा कोड है। क्या है? SAA10। ये कोड यूज करने के बाद आपको 15% प्लस 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 4973। कितना? 4973। 1500 अप्रॉक्स आप सेव कर सकते हैं 1 ईयर की फीस में। और अगर आप 2 साल का देखते हैं तो 7800 है। तो बिल्कुल, अगर अभी तक किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। देखिए 7800, ये आपकी आपको 2 साल का फीस 5967 में पड़ेगा। तो अभी ये बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है, अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए और कोड यूज करिए SAA10, ये मेरा रेफरल कोड है। ओके, नाउ अपने टॉपिक पे आएंगे। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को हम आज ट्रिक से जानेंगे कि उत्तराखंड, पहले तो उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने हैं बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं, इन्हें हम ट्रिक से जानेंगे। बिल्कुल, पहले तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के हैं, बिल्कुल उत्तराखंड के हैं। अब हम एक ट्रिक देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को लर्न करने के लिए। क्या है ट्रिक? राजा गोविंद नंदा के साथ कार में फूल लेके गंगा स्नान पर उत्तराखंड गए। ओके फाइन, राजा गोविंद नंदा के साथ, कौन? राजा गोविंद, ये राजा गोविंद है जो नंदा के साथ कार में फूल लेके गंगा स्नान पर उत्तराखंड गए। फूल लेके कहाँ जाएंगे? गंगा स्नान करने उत्तराखंड जाएंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो आप देख सकते हैं राजा, राजा से आपका हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद, गोविंद से हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा, नंदा से हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार में, तो बिल्कुल कार यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हम कार को जिम कार्बेट, कार्बेट से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूल लेकर गए। फूल लेके तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। गंगा यानी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गए? उत्तराखंड। कहाँ गए? स्नान पर उत्तराखंड गए ना, तो ये उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राजा गोविंद नंदा के साथ कार में फूल लेके गंगा स्नान पर उत्तराखंड गए। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो और आप ये ट्रिक याद करके फटाफट याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिल्कुल 1936 में, बिल्कुल जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले क्या नाम था? इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? 1936 में, 1936 में स्थापित हुआ था ये और इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? ये भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। क्या रखा गया था? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। फिर 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम पुनः क्या रख दिया गया? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था।
जिम कार्बेट के नाम पे इनका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। अब हाल ही में क्या चर्चा चल रही थी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाए, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, अभी इस पे बातें चल रही हैं। तो बिल्कुल अभी इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने की बात हो रही है, अभी हुआ नहीं है। ओके बिल्कुल, तो ये आपकी हो गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ बातें। बात करें 1 नवंबर 1973 को, 1973 को जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। किसे? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में, 1973 में क्या घोषित किया गया था? भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो बिल्कुल ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से फैक्ट्स है। और बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोले तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ओके तो बिल्कुल ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से। और एक बार हम फिर से देख लेते हैं, राजा गोविंद नंदा के साथ कार में फूल लेके गंगा स्नान पर उत्तराखंड गए। तो आप मेरे साथ ही ये बोलिए, बिल्कुल राजा गोविंद नंदा के साथ कार में फूल लेके गंगा स्नान पर उत्तराखंड गए। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इससे आप एक ही लाइन में आप उत्तराखंड के छह राष्ट्रीय उद्यानों को लर्न कर सकते हैं। ओके तो बिल्कुल आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, बिल्कुल अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और बिल्कुल मैं एक बार अपनी क्लास की टाइमिंग भी बता देती हूँ, मेरी डेली क्लासेस 8:30 बजे होती हैं। कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए सौम्या पांडे मेरा नाम है, वहाँ से आप जाके मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। और डेली सुबह मेरी क्लासेस एसएससी गुरु पे होती हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस, और दिन में 3 बजे 3 PM पे क्लासेस होती हैं। कहाँ पे? लेट्स गेट एसएससी एंड रेलवे। तो बिल्कुल ये तीन क्लासेस जो हैं वो मेरी होती हैं, तो आप चाहें तो उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।